हेलो गाइस, मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं फिश बॉयल का रेसिपी लाई हूँ। देखिए, ये है मास्टर लीफ, इसे लाई पत्ता भी बोलते हैं। तो इसी का साथ मैं फिश बॉयल करूँगी। और ये है पंकज मच्छी, देखिए ये 500 ग्राम पंकज फिश है। और इसका लिए मैंने सारा चीज़ रेडी किया है। एक टमाटर, 5 हरा मिर्चा इसको काट लिया है, और साथ में ये अदरक लहसुन कुटी हुई है थोड़ी 1 चम्मच, और ये है मान धनिया। तो मैं इतने सामान से ये रेसिपी बनाऊंगी और बहुत ही स्वादिष्ट बनाऊंगी, आप लोग देखिएगा। और देखिए, इसमें मैंने पानी, कढ़ाई में पानी पहले ही डाल के रखी थी, उबाल आ चुका है कढ़ाई का पानी में। तो इसमें मैंने डाला है अदरक लहसुन का, कुटी हुई अदरक लहसुन, और अब डालूँगी टमाटर और हरा मिर्च का, मिर्च कटी हुई। अब फिर डालूंगी इसमें मैं ये मान धनिया, और अब डालूंगी स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार नमक मैंने डाल लिया है। अब इसे मैं एक बार अच्छे से मिला लेती हूँ, और 5 मिनट इसे अच्छे से उबाल आने देती हूँ। देखिए, अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक आलू को छोटे छोटे काट के। तो अब इस आलू को भी मैं यहाँ में एक बार अच्छे से मिला लेती हूँ। अब मैं डालूंगी इसमें फिश को, सारा फिश मैं डाल लूंगी अच्छे से। अगर आप कोई मेरा चैनल में नए आए हैं तो देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरा वीडियो में लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दीजिएगा। और देखिए, इसे मैं अच्छे से इस तरीके से एक बार सेट कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी लाई पत्ता, मस्टर्ड लीफ को डालूंगी। मस्टर्ड लीफ को मैंने काटा नहीं है, इसे मैंने हाथ से ही मरोड़ के डाली हूँ। सारा मैं इसमें इस तरीके से डालूंगी, और ये खाने में बहुत ही स्वाद होता है इस तरीके से बनाने से ये बॉयल, और हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है बॉयल, सबको पता ही है। इसमें मसाले नहीं है, ऑयल नहीं है, तो हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। इस तरीके से मैं सारा लाई पत्ता को डाल दिया। अब इसे मैं ढक के पकाऊंगी 7 से 8 मिनट तक। देखिए, ढक के मैंने 7 से 8 मिनट पकाया। देखिए, सारा गल चुका है इतना अच्छा से, और लाई पत्ता का कलर देखिए कितना अच्छा हुआ है। और ये, और अब मैं इसे और ढक के पकाऊंगी, और 5 मिनट अब मैं ढक के पकाऊंगी। और इसे देखिए, सारा पानी सूख चुका है, तो अब मैं इसमें डालूंगी गरम पानी थोड़ा। और देखिए, एक बार फिश भी अच्छे से पक चुका है, सब टमाटर भी गल चुका है, और आलू भी पक चुका है अच्छे से, देखिए। और अब मैं इसमें डालूंगी 2 कप पानी, गरम पानी है, गरम पानी डालना चाहिए, गरम पानी डाल रही हूँ। आप लोग भी गरम पानी डालिएगा अगर कभी बनाने से तो। देखिए, अब मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च डालूंगी 1/2 चम्मच, और इसको मैं अच्छे से उबाल आने देती हूँ। देखिए, काली मिर्च मैंने 1/2 चम्मच डाल दिया है, ये बहुत ही इसका स्वाद आता है अच्छा से, और ये इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा होता है, तो खाने में भी स्वाद लाता है इससे। अब देखिए, ये अच्छे से उबाल आ चुका है, और ये बन के रेडी है। खाने में तो बहुत ही स्वाद होता है, और जिसको बॉयल पसंद है वो लोग एक बार इस तरीक़े से बना के खाइएगा, और बहुत ही टेस्टी बना है। आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर नए वीडियो लेके आऊँगी। बाय बाय।